राजस्थान में इन दिनों सियासी गर्मी बढ़ती जा रही है। चुनावी साल में जहां दिल्ली के नेताओं के फेरे बढ़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस की कलह की कलाई और खुलती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों के बाद सचिन पायलट ने पैदल मार्च का ऐलान कर दिया। वहीं उनके समर्थक विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का बड़ा बयान भी सामने आया है। सचिन पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि हम कांग्रेस के साथी हैं, हम पायलट के साथ रहे, जिन लोगों ने हमें चुनाव जिताया उनके साथ बैठे तो हम कायर हो गए, और जो बीजेपी से क्रॉस वोट करके देते हैं वह बोल्ड हो गए। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि आगे भी कोई ऐसी बात हुई तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे जिन्होंने हमें जिताया। वहीं जब वेद प्रकाश सोलंकी से सवाल पूछा गया कि विधायकों के कितने पैसे खर्च हुए, तो सोलंकी ने कहा, मैंने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय मांगा है, जब उनसे मिलकर बात होगी तब पूछूंगा, तब इस पर ज्यादा खुलासा हो सकेगा। आखिर किसको पैसे मिले, किसके बारे में उन्होंने कहा था? सोलंकी ने कहा कि जो सच बोलता है, दलितों के हित की बात करता है, उसे हमेशा दलित बनाए रखने की कोशिश होती है। विधायक बने या नहीं यह जरूरी नहीं, अपने क्षेत्र की जनता और समाज के लोगों का हित जरूरी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोला था कि जिन विधायकों ने भाजपा से 10-20 करोड़ रुपए लिए वो उसे लौटा दें, अगर वो पैसा खर्च हो गया है तो मैं दे दूंगा या AICC से दिलवा दूंगा। इसके बाद पायलट ने प्रेस वार्ता कर अजमेर से जयपुर यात्रा का ऐलान किया। हालांकि पायलट का कहना है कि यह यात्रा किसी के विरोध में नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है।